सभी को मेरे प्रणाम। आज अध्यात्म उपनिषद का हमारा 41 स्वाध्याय है और जैसे कि हमें पंडित वर्य जीतू भाई हमेशा कहते हैं कि अध्यात्मों के रहस्यों से भरा हुआ ये महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज विरचित ग्रंथ है। सो मैं विनती करता हूँ जीतू भाई को कि आगे के रहस्यों को उजागर करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। जैन योग के इस मंच से हम लोग पिछले कई महीनों से अध्यात्म उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी इस ग्रंथ के रचयिता हैं। आज से 300 साल पहले महोपाध्याय यशो विजय जी ने ज्ञान समुद्र को मंथन करके जो अमृत पाया था, जो नवनीत पाया था, उसको अध्यात्म उपनिषद में शब्द रूप दिया है। महोपाध्याय यशो विजय जी की चिंतन यात्रा, उनका ज्ञान और उनकी साधना इस इतने गहन है कि एक एक श्लोक में उन्होंने पूरे ग्रंथों का सार भर दिया है। इसलिए कभी कभी हमें इस ग्रंथ के श्लोक को समझना मुश्किल होता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रंथ को अच्छी तरह समझ सके, ग्रंथ के रहस्य को समझ करके हमारी साधना को आगे बढ़ा सके, हम अपने जीवन में अध्यात्म के रस का पान कर सके। इसलिए हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए उनके रहस्य को इस प्रकार से पा सके उसकी चर्चा भी करते रहते हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी ने पिछले स्वाध्याय में हमने जो बात कही थी बहुत ही गंभीर बात थी और उसके कारण कई जिज्ञासु मित्रों के मन में प्रश्न भी उठे हैं। उन प्रश्नों का जवाब देना अति आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाले श्लोकों में जो गहनता हमें देखने को मिलेगी वो यदि हम पूर्ण रूप से ग्रंथ के एक एक श्लोक को अच्छी तरह समझकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे आने वाले श्लोक हमारे लिए और कठिन महसूस होंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि हम जो पिछले स्वाध्याय पर जो प्रश्न उठे थे उन प्रश्नों का सबसे पहले समाधान करेंगे। हालांकि यह प्रश्न बहुत गंभीर भी हैं, जिन्होंने पूछा है उनकी रुचि को मैं धन्यवाद देता हूं और ये भी मैं कहता हूं कि इन श्लोकों में योग मार्ग का रहस्य, अध्यात्म मार्ग का रहस्य, साधना मार्ग का रहस्य छिपा हुआ है, भरा हुआ है। यदि हम उसको उजागर कर सके, उसके अनुसार जीवन को ढाल सके तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो पाएगा। पिछले स्वाध्याय में हमने देखा था जो श्लोक नंबर 52 में, मतलब 52 में यशो विजय जी ने एक बात कही थी। उस बात में ये कहा था उन्होंने कि विकल्प रूपा मायेयम विकल्पे न एव नाश्यते। माया विकल्प रूप है और उस विकल्प रूप माया को विकल्प से ही नाश की जा सकती है। एक तो विकल्प शब्द यहाँ गंभीरता से चिंतनीय है, दूसरा माया शब्द चिंतनीय है। विकल्प क्या है? मन में जितने भी विचार उठते हैं वो सारे विकल्प स्वरूप है।
विकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे विकल्प और दूसरे बुरे विकल्प। विकल्प को हम तर्क भी कह सकते हैं कि मन में हमेशा तर्क उठते रहते हैं। तर्क के दो प्रकार है, एक सुतर्क एक कुतर्क। कुतर्क निश्चित रूप से हमें भटकाता है, भ्रम उत्पन्न करता है, हमें अपने जीवन में अपने ही बातों पर भ्रम पैदा करने वाले तर्क को कुतर्क कहा गया है। कुतर्क से कभी किसी का भला नहीं हो पाया है। कुतर्क को हटाना है, कुतर्क को कैसे हटाया जाए? कुतर्क को हटाने के लिए सुतर्क का अभ्यास करने की बात कही है। तो सुतर्क से कुतर्क को नष्ट करना है। दोनों अवस्था साधक के विचारों विकल्पात्मक अवस्था है, विकल्पों से उत्पन्न हुई अवस्था है, उनसे मुक्त होना है, उनसे हटना है, जो निर्विकल्पक अवस्था है। उस निर्विकल्पक अवस्था तक पहुंचने की यात्रा हमें करनी है, पर निर्विकल्पक तक पहुंचना, निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बोलना जितना आसान है उतना ही कठिनतम यह साधना है, निर्विकल्पक दशा की स्थिति प्राप्त करना। समाधि की परम अवस्था वो निर्विकल्पक अवस्था है, वहां तक पहुंचने की बात यहाँ कह गए। जो विकल्प है वो माया स्वरूप है। यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि विकल्प रूपा माया इयम, जो विकल्प है माया स्वरूप है। माया क्या है? हम संसार में माया को अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। माया शब्द भी हमें उनके अर्थ के द्वारा समझना चाहिए। एक माया स्नेह के अर्थ में होती है कि इनको, इसके प्रति माया हो गई है। माया मतलब स्नेह हो गया, माया मतलब प्रीति हो गई है। तो एक माया शब्द का एक अर्थ होता है प्रीति, स्नेह, लगाव। दूसरा एक अर्थ है माया मतलब कपट। जब हम कुछ छिपाते हैं, कुछ उजागर करना नहीं चाहते हैं, कुछ हम अलग बात करते हैं, तो वह माया कहलाती है। जैसे जादूगर की बात करते हैं तो जादूगर की जो भी जादू की क्रिया है, जादू की कला है, उसको भी माया जाल कहा है कि माया का जाल रचता है। वास्तव में वैसा होता नहीं है। वो एक आदमी को काट देता है और फिर काटे हुए आदमी को पुनः जीवित कर देता है। एक आदमी को हवा में उड़ाता है और फिर वो आदमी को नीचे ला करके सामान्य मानवी की तरह ही व्यवहार करवाता है। वो खाली जगह में बहुत सारी चीजों को उत्पन्न कर देता है और जहां बहुत कुछ है उन सब को वो गायब कर देता है। क्या ये वास्तव में वही आदमी किसी को काट डाले और पुनः उनको जोड़ देना, सजीव कर देना, यह संभव है? यह कभी भी संभव नहीं है। वो एक माया जाल रचता है, एक जो कभी संभव नहीं है ऐसा प्रसंग बनाता है, क्रिएट करता है और फिर लोगों को ये बताता है कि देखो मैंने काट लिया और फिर वो जिंदा हो गया। तो ये एक भ्रमजाल है। उसी तरह मनुष्य वास्तविकता को छिपाने के लिए नई नई बातें, नई नई परिस्थितियां, नए नए संजोग क्रिएट करता है, उसको भी माया कहा गया है। मतलब जो नहीं होता है उसको, उस स्वरूप को दिखाने के लिए, जो
रचना होती है, जो क्रियाएं होती है, उसको माया कहा है। उससे आगे भी माया का एक अर्थ है कपट करना। कपट का अर्थ है कि आप अपने दोषों को छिपाने के लिए, असत्य को छिपाने के लिए, या कोई गलत काम को छिपाने के लिए आप जो भी करते हैं उसको भी माया कहा है। तो माया का इस प्रकार से तीन अर्थ हमारे सामने हैं। माया कषाय के रूप में भी हमने देखा है, वहां क्रोध, मान, माया और लोभ। माया शब्द का प्रयोग जब कषाय के रूप में करते हैं तो कषाय का जो माया है उसका अर्थ होता है कि हम कपट कर रहे हैं, हम दोहरापन बता रहे हैं, हम कुछ है कुछ और दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। तो पहले अर्थ को छोड़ करके, माया का पहला अर्थ जो लगाव, उसके साथ स्नेह हो जाना आदि जो माया का अर्थ किया था, वो न लेकर के कपट और एक नहीं होने वाली या अशक्य बात को शक्य करके दिखाना, और वो भी शक्य तो नहीं है, फिर भी लोगों में हम ऐसा भ्रम जाल बिठाते हैं कि लोग ये समझने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य कर रहा है, बहुत बड़ी कला जानता है, और लोग फिर उनके बातों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की माया, उन ये दो अर्थ में हम यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में माया का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो अर्थ हमने लिया था, माया का जो पहला अर्थ और यहाँ तीसरा अर्थ लेंगे कि माया अर्थात लगाव, माया अर्थात उसके प्रति स्नेह हो जाना, वो भी हमें छोड़ना है, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे स्वार्थ पैदा होता है, उससे हमारे मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जिसके कारण अन्य सभी दोषों का जन्म होने लगता है। तो ये छोड़ने की बात यहाँ करते हैं कि माया वास्तव में है नहीं, फिर भी माया अर्थात वो हम उसको उत्पन्न कर देते हैं, वो वास्तविक नहीं होती है, वो असत है, उस असत माया में ही हम जीते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है, जब ज्ञानी पुरुष इन सब से मुक्त होकर के सत्य को पाप प्राप्त कर लेते हैं, तब मनुष्य की इस प्रकार की परिस्थिति को देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य होता है कि यह पूरा संसार कहाँ डूबा हुआ है। वो स्वार्थ में डूबा हुआ है, वह भ्रमजाल में पड़ा हुआ है, वो अपने दोषों को छिपाने के लिए दोष को गुण के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा सत्य है, ये प्रश्न हमें पूछते हैं ज्ञानी कि भाई आप अपने आप को पूछो कि ये जो मैं कर रहा हूं वो सत्य है या असत्य है, सत है या असत है, माया सत है या असत है। यदि सत है तो वो माया का दर्शन होना चाहिए, सत हो तो माया का दर्शन होना चाहिए, माया दिखाई देनी चाहिए, पर माया दिखाई नहीं देती है, इसलिए सत तो हो नहीं सकती है। तो माया क्या है? असत है। असत में जीना मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकता है, अध्यात्म के क्षेत्र में उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये असत को असत मानना, असत को समझना और असत को दूर करना, वो कैसे हो सकता है? किस प्रकार की साधना से यह हो सकता है? ये कला, ये उसकी चाबी इस श्लोक में हमें बताई है कि इस प्रकार से हम अपने ये सारे जो माया स्वरूप विकल्प हैं, उन विकल्पों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो विकल्प के दो भेद कर दिए उन्होंने कि विकल्प दो प्रकार के होते हैं, और एक दो प्रकार में से पहला प्रकार है सत विकल्प, अच्छे विकल्प, सुविकल्प के भी कहते हैं, और दूसरे विकल्प जो असत विकल्प है या दुर्विकल्प है, यानी खराब विकल्प,
खराब भावनाएं, खराब बातें। तो हमें तो अध्यात्म मार्ग में जाने के लिए हमेशा निष्ठावान बनना चाहिए। निष्ठावान बनने के लिए हमें दुर्विकल्प या गलत विकल्प है उनसे मुक्त होना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये तो माया की तरह, हमें माया जैसे जादूगरनी या कोई याकिनी डाकिनी भूत प्रेत हमें पकड़ लेते हैं, हमारे पीछे पीछे हमें पकड़ करके हमें ही घुमाते रहते हैं। उसी तरह माया भी हमें इस तरह से पकड़ करके रखी है, हमको बांध दिया है। उस माया से मुक्त होना है, वो कोई आसान बात नहीं है। उस आसान बात नहीं है तो कठिन बात है। कठिन बात को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं? आपने कभी कोई भूत प्रेत जिनको वलगड़ कहते हैं, वलगान हुआ है मतलब, या उनके पीछे पड़े हुए भूत प्रेत का वास हो गया शरीर में, ऐसे किसी आदमी को आपने देखा हो तो आपको पता चलेगा कि भूत प्रेत किस प्रकार से अपने शरीर का कब्जा ले लेते हैं, शरीर पर उनका आधिपत्य हो जाता है, व्यक्ति का स्वयं का आधिपत्य नहीं रहता है। उसी प्रकार माया ने आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे पर आधिपत्य जमा दिया है। हमारा वास्तविक कोई कुछ भी नहीं है, माया ही हमें सब कुछ करवा रही है, माया से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो भूत की तरह, प्रेत की तरह, याकिनी डाकिनी शाकिनी की तरह हमारे शरीर में आध्यात्मिक क्षेत्र के इस चिंतन में हम चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि उन माया ने हमें ग्रसित कर लिया है, हमें पकड़ लिया है, हमारे अंदर माया ने प्रवेश कर दिया है। इसलिए हम अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये भूत प्रेत का प्रभाव शरीर में आ जाता है तो भूत प्रेत को निकालने के लिए मांत्रिक और तांत्रिकों को बुलाना पड़ता है। जब मांत्रिक और तांत्रिक आते हैं तो पहले तो वो उनको, इन भूत प्रेत को बुलाते हैं, उनके शरीर में आकर के शरीर में प्रकट करते हैं, करवाते हैं। हालांकि प्रकट में सुप्त रूप से तो होता है, लेकिन उनको जागृत करते हैं और जागृत करके पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो भूत प्रेत उस जिनके शरीर में है वो उनको कहने लगता है कि मैं फलाना हूँ, मेरा इनके साथ ये रिश्ता है, मेरी ये इच्छा इन्होंने पूरी नहीं की थी, इसलिए मैं उनको उनके शरीर में प्रवेश करके रहता हूँ। जब तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं उनसे उनको मुक्त नहीं करूँगा, यहाँ से जाऊँगा नहीं या यहाँ से जाऊँगी नहीं। वो इस प्रकार से हठ लेकर के उनके शरीर का कब्जा अपने पर अपने पास रख लेता है या रख लेती है। ऐसे भूत और प्रेत या ऐसे अन्य जो अशुभ तत्व हैं, जब वो शरीर में प्रवेश कर देते हैं और जब वो शरीर में अलग अलग प्रकार से प्रकट होने लगते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। फिर मांत्रिक उनको पूछता है कि तुम्हें जाने के लिए क्या चाहिए, तो कभी कभी वो जो सामान्य भूत होते हैं, सामान्य प्रेत होते हैं, वो कह देते हैं कि कभी बहुत आसान चीज कह देते हैं कि मुझे खीर खिला दो तो मैं चला जाऊंगा। मुझे खीर पिलाई नहीं थी, हम कोई एक प्रसंग में गए थे, वहां उन्होंने चोरी छुपी से खीर खा ली थी, मुझे नहीं खिलाने दी, खिलाई और खाने भी नहीं दी, और वहां से हमें वापिस लौटना पड़ा। यदि मुझे खीर खिला दे तो मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। कभी इतने सामान्य भूत प्रेत होते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। लेकिन बहुत कठिन भूत प्रेत भी होते हैं, उनको निकालना तो और मुश्किल हो जाता है। तब मांत्रिक या तांत्रिक उनको और कठिन प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से आए हो, तो वो कह देता है कि भाई ये जब यहाँ से स्मशान से पसार हुए थे वो यहाँ कहीं, मतलब कोई भूत प्रेत का जो
स्थान था, वहां से पसार हुए थे या कोई वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब मैं उनके शरीर में प्रवेश पा लिया या कर लिया मैंने। तो उनके उनको पूछते हैं कि अब जाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कह देता है कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मुझे तो यहाँ मजा आ रहा है, मुझे मस्ती है यहाँ, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब मांत्रिक की परीक्षा होती है, तब मांत्रिक के लिए बहुत कठिन बात हो जाती है कि वो उनके शरीर में से भूत प्रेत को कैसे भगाता है। ये स्थिति आती है तो मांत्रिक ने भी अपने साधना करके बहुत बड़े बड़े ऐसे देव देवियों को साधा होता है। तब वो कहता है कि भाई तुम जाते हो कि नहीं जाते हो, वो कहेगा नहीं जाता हूं, तुम क्या कर लोगे मुझे, मैं तो यहीं रहने वाला हूं। ऐसे हठीले, ऐसे चिपकू, मतलब बहुत चिपक कर उनके शरीर में रहते हैं और पीड़ा देते रहते हैं। तब मांत्रिक कहता है कि भाई तुम क्यों नहीं जाते हैं? तो कहा कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो भटकता था, ये मुझे मिल गया। इसलिए शास्त्रों में एक बात कही है कि जब अंत समय में हमारी इच्छा रह जाती है किसी चीज में, तो हम स्वर्ग में जाते हैं, नीच कोटि के स्वर्ग में जाते हैं, वहां से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, और पृथ्वी लोक पर आकर के फिर हम भटकते रहते हैं, और तब हमें कोई ऐसा जीव मिल जाता है, ऐसा मनुष्य या ऐसी स्त्री मिल जाती है, उनके शरीर में प्रवेश कर देते हैं, और फिर प्रवेश करने के बाद हमें तो हमारी इच्छा पूर्ति यहाँ होती रहती है, इसलिए हम जाने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये अतृप्त आत्माएं होती है, भले ही स्वर्ग में गए हैं लेकिन अतृप्त हैं। उस अतृप्त आत्माओं को निकालने के लिए मांत्रिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मांत्रिक उनको कहता है कि भाई तुम जाने के लिए क्या लोगे, तो वो तो कह देता है नहीं नहीं जाऊंगा मैं। तब मांत्रिक उनको कहते हैं कि भाई तुम नहीं जाओगे तो मैं इन देव को बुलाता हूँ, मतलब उनकी उन्होंने जो देव को साधा है या उन्होंने जिस देवी को साधा है जो उच्च कोटि की होती है उनको बुलाता हूँ। तब वो डरने लगता है, वो फिर कहता है कि नहीं नहीं उनको मत बुलाओ, मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। फिर उनके शरीर से वो निकल जाती, वो भूत या प्रेत उनके शरीर से निकल करके उनको मुक्त कर देते। अब मुक्त करके भी हमेशा मुक्त रहेंगे कि नहीं, ये प्रश्न भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए मांत्रिक और तांत्रिक क्या करते हैं, उस समय एक कांच का बॉटल रखते हैं, उस बॉटल में उनको पूर देते हैं, मतलब उसको अंदर समा देते हैं, और ऊपर से ढक्कन बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं और कहते हैं कि अब तुम आओ तो पता चलेगा कि कैसे बाहर निकल सकते हो। बहुत गहरा गड्ढा खोद करके अंदर गाड़ देते हैं, फिर वो निकल नहीं पाता है तो उनके शरीर हमेशा के लिए भूत प्रेत से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वितर्क है हमारे शरीर में, आध्यात्मिक शरीर के लिए वो एक भूत प्रेत है, हमें जन्म से लेकर अद्यावधि हमारे शरीर का मतलब आध्यात्मिक शरीर का कब्जा लेकर बैठे हुए हैं। तब ये शास्त्रकार कहते हैं कि उसको कैसे जीता जाए। जिस प्रकार से प्रबल मांत्रिक ने दूसरे भूत को बुला करके उस सामान्य भूत को उनके शरीर में से निकाला, उसी तरह माया को माया से ही जीतना पड़ेगा, और वो माया है सद्विकल्पों की, सुविकल्पों की, अच्छे विकल्पों की, अच्छे विकल्पों से दुर्विकल्प निकल जाएंगे। मतलब अच्छे विकल्पों की शक्ति हमेशा दुर्विकल्प से ज्यादा होती है, जिसका हमने अनुभव नहीं किया इसलिए हम दुर्विकल्पों से मुक्त होने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जब तक वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करने नहीं लगते हैं तब तक हम उनसे मुक्त होने की कोशिश नहीं करते हैं। ये एक हमारा आंतरिक जगत है, उस आंतरिक जगत को हमें टटोलना पड़ेगा, हमें उनकी परीक्षा करनी होगी, हमें उनके अंदर जाना पड़ेगा कि हमारी वास्तविक परिस्थिति क्या है, हमें किस तरह से इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है, और सार्थक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि पहले तो ये जो वितर्क है, अब मैं विकल्प से वितर्क पर आया हूँ। विकल्प और वितर्क मैंने पहले बताया, उस तद अनुसार दोनों
पर्यायवाची शब्द के रूप में अभी मैं प्रयोग कर रहा हूं। बाद में हम उसको और विस्तार से देखेंगे या उनकी अधिक स्पष्टता करेंगे। तो कुविकल्प है वो कुतर्क है। कुतर्क हमको भटकाता है, वो भूत प्रेत की तरह आज तक भटका रहा है, वो आज से नहीं भटका रहा है, अनेक जन्मों से भटका रहा है। जब से कुविकल्प के पनारे पड़े हुए हैं तब से ये कुविकल्प हमें भटका रहे हैं। हमें लगता अच्छा है, हमें बहुत भाता है। कुविकल्प जब करते हैं तो हम सोचते कि देखो मैंने कैसे उनको सामने वाले को फंसा दिया, सामने वाले को कैसे मैंने बना दिया, मतलब कि मैंने उनको किस तरह से अपनी जाल में फंसा दिया। लेकिन वो ये भूल जाता कि मैं खुद ही फंसता जा रहा हूँ, कर्मों की जाल में फंसता जा रहा हूँ, अध्यात्म के क्षेत्र में मैं अपने आप को फंसा रहा हूँ जो आगे बढ़ने से रोकता है। तो जब ये पता चलता है कि भाई ये कुविकल्प तो हमारी आध्यात्मिक आराधना में, साधना में एक बहुत बड़ा अवरोध बन के खड़ा हुआ है, उस पर हमें विजय पानी है, तो यहाँ यशो विजय जी कहते हैं कि भाई उसको जीतने के लिए पहले तो विकल्प की ही साधना करनी पड़ेगी। जैसा कि आगे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुविकल्प की शक्ति सुविकल्प से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है, सुविकल्प की ही शक्ति हमेशा प्रबल होती है। मतलब प्रकाश और अंधकार, अंधकार हजारों सालों का अंधकार एक दिए के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। मतलब हजारों साल जो वहां अंधकार फैला हुआ है, वहां उस अंधकार को नष्ट करने के लिए हजारों साल नहीं लगेंगे, केवल एक दीपक जलाने से हजारों साल का अंधेरा नष्ट हो सकता है। प्रयास केवल दीपक जलाने का करना है। उसी तरह यहाँ हमें अपने जीवन में कुविकल्प की जो शक्ति है उससे हमें डरना नहीं है, उससे अभिभूत नहीं होना है, उससे निराश भी नहीं होना है। हमें सुविकल्प का रूपी दीपक जलाना है। जब हम सुविकल्प यानी अच्छे विकल्प को करने लगेंगे तो दूर कुविकल्प, दुर्विकल्प, कुतर्क सब कुछ नष्ट होने लगेगा। तुरंत नष्ट नहीं होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, उसके लिए भी साधना करनी होगी। लेकिन यहाँ कहा कि विकल्प रूपे मायायम विकल्पे नैव नाश्यते, विकल्प से ही विकल्प को जितना पड़ेगा। आगे चल करके महोपाध्याय यशो विजय जी और भी बातें करने वाले हैं। वो कहेंगे कि भाई कांटे को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, शस्त्र को नष्ट करने के लिए, मतलब कि शस्त्र वाले व्यक्ति को जीतने के लिए शस्त्र ही चाहिए, शस्त्र से ही शस्त्र का विजय प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि को अग्नि से ही शांत करना पड़ता है। ये एक व्यवहारिक परिस्थिति है। उसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमें कुविकल्प पर विजय पाना हो तो सद्विकल्प करना पड़ेगा या सद्विकल्प का आश्रय लेना पड़ेगा। अब उसको और आगे समझे कि विकल्प, कुविकल्प, सुविकल्प ये क्या है और किस तरह उस पर विजय पा सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पतंजलि के योग सूत्र की बात करूंगा, जिससे ये पूरा प्रकरण या ये पूरा श्लोक बहुत सरलता से और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो अपने पतंजलि हैं, वो पतंजलि दूसरे पाद में, मतलब उनके चार पाद है योग सूत्र के, उसके दूसरे पाद में दो तीन चार सूत्र ऐसे हैं जो हमें इस श्लोक को समझने के लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं। उन्होंने वहां कहा कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, यम यानी व्रत है। उन्होंने व्रत की व्याख्या करते हुए व्रत के पांच व्रतों के नाम गिना दे। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर्य, चौथा
ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। तो ये पांच यम है यानी कि पांच व्रत है और पांच उन्होंने नियम गिना दिए। वो नियम भी जीवन के लिए आवश्यक माने। उन्होंने कहा कि पांच नियम है, पांच नियम का पालन करना चाहिए। शौच यानी पवित्रता, संतोष ये दूसरा नियम है, तप है जो तप हम करते हैं वो तप है तीसरा नियम, स्वाध्याय चौथा नियम है और ईश्वर प्रणिधान यानी परमात्मा का ध्यान, ये पांच नियम है। अष्टांग योग में आठ अंग बताए गए हैं जो परम समाधि तक पहुंचने में निमित्त बनते हैं। उसके पहले दो अंग ये बताए हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले दो में यम और नियम आते हैं। यम वो पांच व्रत हैं, नियम शौच सत्य संयम तपस्त्याग, शौच संयम तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। ये यम और नियम की बात करके बाद में आसन की बात करते हैं, बाद में प्राणायाम की बात करते हैं, बाद में प्रत्याहार की बात करते हैं, मतलब एक एक को क्रमशः लेते जा रहे हैं। पतंजलि ने ये क्रम बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से रखा है कि यदि आपके अंदर यम का आचरण नहीं है, नियम का आचरण नहीं है, तो आसन से जो आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। हालांकि वो सारे योग की प्रक्रिया है, उस योग की प्रक्रिया में मैं यहाँ आज नहीं जाऊंगा, हमें अध्यात्म की बात करनी है। फिर भी मुझे कोई समय मिलेगा तो ये चार पांच सूत्रों पर हम विशेष चिंतन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चार पांच सूत्र हैं। तो यम नियम की बात करके वो कहते हैं कि ये यम नियम का पालन करना अति आवश्यक है, जो आगे की साधना में आपको बहुत ही मदद रूप होने वाले हैं और उसको साधने के बाद ही आप आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन उसकी साधना इतनी आसान भी नहीं है, तो उसकी साधना करने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें हमारा जो अनादि काल से हमें परेशान कर रहे हैं, कई बातें हमें परेशान कर रही है और उसमें सबसे बड़ी बात तो वितर्क, वितर्क परेशान कर रहा है। वो वितर्क क्या है, वितर्क कौन कौन से हैं, वो भी उन्होंने मतलब कि पतंजलि ने गिना दिया कि हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये सारे वितर्क है। जो हिंसा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वो सुतर्क है और यहां इनको वितर्क कहा। क्योंकि ये वितर्क है, उनको हमें जीतना है। तो वितर्क के कितने प्रकार होते हैं, ये केवल पांच ही प्रकार के वितर्क हैं या और भी वितर्क है, उसकी बात करते हैं कि हिंसा वगैरह तो वितर्क है, लेकिन हिंसा इतनी सरल नहीं है या सत्य असत्य इतना सरल नहीं कि आप आराम से समझ लो। उसको समझने के लिए यहाँ कहते हैं कि भाई वितर्क जो है हिंसा वगैरह वो एक तो हम खुद करते हैं हिंसा, एक दूसरे से करवाते हैं, और एक तीसरा प्रकार है कि जो हिंसक होते हैं उनकी हम अनुमोदना करते हैं, उनके प्रशंसा करते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर जो हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह का प्रारंभ होता है कहाँ से, सीधे सीधे हम हिंसा करने नहीं लगते हैं। पहले तो हिंसक जो व्यक्ति है उनकी बात हमारे सामने आती है और उनको हिंसा से भी लाभ होता है ऐसा मानते हैं या ऐसा देखते हैं, तो हम उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। प्रशंसा करने लगते हैं तो फिर हमें लगता है कि भाई हमें भी लाभ होगा, जैसा उनको लाभ हुआ वैसा हमें लाभ होगा। लेकिन सभी इतने प्रबल नहीं होते, तो वो कहते हैं कि पहले मैं दूसरे के द्वारा हिंसा करवा करके देखूं कि उनको लाभ होता है कि नहीं होता है, तो उनको भी लाभ हो गया संयोग से, तो वो फिर हिम्मत आ जाती है खुद को हिंसा आदि करने की। इसलिए कृतकारिता अनुमित,
हिंसा वगैरह तीन प्रकार से होती है, करना, करवाना और अनुमोदना करना। तो ये क्यों होता है, करना, करवाना और अनुमोदना भी कैसे उत्पन्न होती है? तो वो कहते हैं कि लोभ के कारण उत्पन्न होती है। यहां मैं जो बात कर रहा हूं पतंजलि के योग सूत्र के आधार पर कह रहा हूं कि पतंजलि कह रहे हैं कि मन में लोभ पड़ा हुआ होगा तो करना, करवाना और करने वाले की अनुमोदना करने का मन होता ही रहेगा। तो एक एक प्रबल कारण माना है लोभ, और हमारे अंदर लोभ यानी परिग्रह संज्ञा तो पड़ी हुई है। परिग्रह के कारण हमें हिंसा करना, चोरी करना, असत्य बोलना, मैथुन का सेवन करना और परिग्रह करने का मन होता रहता है। फिर कहा कि क्रोध के कारण होता है, क्रोध अंदर पड़ा हुआ है, मैं जल्दी प्राप्त कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इस क्रोध की भावना के कारण ये हमारे मन के अंदर वितर्क उत्पन्न होते हैं। मतलब जो सुतर्क है वो नहीं उत्पन्न होता है, वो वितर्क उत्पन्न करती है लोभ की दशा, क्रोध की दशा। तो क्रोध आता है तो क्या करते हैं, हम सब कुछ भूल करके हम हिंसा करने लगते हैं, सब कुछ भूल करके असत्य बोलने लगते हैं। चाहे कितना भी संयमी यदि क्रोध ग्रस्त हो जाता है, तो इसीलिए तो कहा क्रोध की सज्जाए में कि क्रोधे क्रोध पूर्व तनु संयम फल जाए। मतलब लंबे अरसे तक संयम की आराधना करने वाला भी क्रोध के कारण संयम के फल से पतित हो जाता है, उनको उनका फल नहीं मिलता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण बताया मोह के कारण, मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण हमारे मन के अंदर वितर्क उत्पन्न होते हैं। फिर वो वितर्क कैसे होते हैं, तो कहते हैं कि कभी कभी बहुत ही मृदु होते हैं, अल्प भाव वाले होते हैं, कभी कभी उससे भी कठिन होते हैं, मतलब उसको मध्यम कहा है, और अधिमात्रा मतलब एकदम तीव्र कषाय आ जाता है, तीव्र क्रोध आता है, तीव्र लोभ उत्पन्न हो जाता है, तीव्र मोह उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण एक साथ तीनों क्रिया होने लगती है कि उनकी अनुमोदना, खराब करने वाले की अनुमोदना भी करते हैं, खराब करने की प्रेरणा भी देने लगते हैं और खराब खुद भी करने लगते हैं। तो एक साथ तीनों बातें घटित होने लगती है। और ये सब बातों को हम देखें तो ये पांच व्रत हैं। तो पहले एक अहिंसा को ले, अहिंसा को कृतकारिता और अनुमोदना के साथ जोड़ने से तीन हुए, तीन को तीन के साथ क्रोध, लोभ, क्रोध और मोह को जोड़ दे तो नौ हो जाएंगी, नौ प्रकार की हिंसा होगी। और नौ को हम मृदु मध्य और अधिमात्रा के साथ जोड़ दे तो 27 प्रकार की हिंसा होगी, और पांचों का 27-27 भेद कर ले तो 27 हो गया। उसके बाद हम उसका और तीन भेद किए हुए वो तीन भेदों को जोड़ते हैं तो 81 प्रकार की हिंसा हुई, और पांचों को 81 प्रकार गिने तो और भी उसकी संख्या हो जाएगी। ये वितर्क की संख्या हुई कि वितर्क जब हमें परेशान करता है तब हमें क्या करना चाहिए, वितर्क को जीतने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक हमें सूत्र दिया है, वो सूत्र कहते हैं कि वितर्क बाधने। जब हमें वितर्क परेशान कर रहा हूं, मतलब हिंसा करने की इच्छा हो जाए, किसी को चाटा मारने का मन हो जाए कि कोई नौकर है उसने कोई गलती कर दी, बार बार आपने रोका था, टोका था, उसको प्रलोभन भी दिया था पर वो गलतियां करता ही रहता है, तो एक दिन क्रोध आ जाता है, क्रोध आ करके उनको चाटा मार देते हो, तो ये परिस्थिति आ गई, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ये वितर्क जब हमें परेशान करने लगे, ये हिंसा वगैरह परेशान करने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष का मतलब उनके विरोधी तत्व का विचार करना चाहिए। तो विरोधी क्या है, हिंसा करते हैं तो हिंसा का विरोधी क्या होगा, अहिंसा। लेकिन ऐसे अहिंसा का चिंतन करने से अहिंसा का पालन तो नहीं हो जाता है, तो पहले तो हिंसा के फल का विचार करना है कि हिंसा से क्या मिलता है,
क्यों हिंसा करने का मन होता है और हिंसा का फल क्या होगा, तो सीधा हमें पता चलेगा कि हिंसा से जिन्होंने हिंसा की है पूर्व में की है, शास्त्रों में अनेक दृष्टांत हमें मिलते हैं और व्यवहार में भी देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने हिंसा की उन उन लोगों को दुख ही मिला है, कभी सुख नहीं मिला है। जिन्होंने चोरी की है वो दुखी ही है, जिन्होंने असत्य का आचरण किया है वो दुखी ही है, जिन्होंने व्यभिचार किया है वो दुखी है। मन के अंदर एक भाव पड़ा ही रहता है कि मैंने इस जन्म में गलत काम किए हैं, उन गलत कामों से कैसे मुक्त हो जाऊंगा, भले ही कोई नहीं जानता है लेकिन मैं और जिसके साथ मैंने गलत काम किया है वो दोनों तो जानते ही है। अरे वो दूसरी व्यक्ति नहीं भी रही तो भी मैं तो जानता हूं कि मैंने गलत काम किया है, तो एक पीछा छोड़ता नहीं है, वो दुख देता रहता है। और आगे चल करके कहते हैं कि जो परिग्रह करता है उनको भी अंदर से दुख का अनुभव होता रहता है, कम है परिग्रह करने वाले को हमेशा कमी महसूस होती है, उनको हमेशा लगता है कि ये तो बहुत कम है, मतलब कितना प्राप्त हो जाए, इतना बड़ा प्राप्ति होने के बाद कर्म एक ऐसी स्थिति है, कर्म की स्थिति ऐसी है कि वो राजा को भी रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। तो उनका विचार करना कि आज मैं सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूं, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूं, लेकिन कल क्या ये सब रहेगा, ये रहने वाला है नहीं रहने वाला है, और आज मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं कि मैं यह स्थिति हमेशा रहूं, इस स्थिति में रहूं, मैं उसको बरकरार रखूं, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो करता रहूंगा, और हर रोज क्षण क्षण पर वो देखता रहेगा, टीवी के स्क्रीन पर देखता रहेगा कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनिक मैं हूं या नहीं, कौन दूसरा आ जाएगा, कौन दूसरा ये स्थान ले लेगा और मुझे नीचे खिसका देगा, इस प्रकार का मन में भय हमेशा पड़ा रहता है। तो ये भी दुख है, भय दुख है, उस दुख का चिंतन करना, ये वितर्क को वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, मतलब वितर्क जब होता है हिंसा करने का, चोरी करने का, किसी का असत्य बोलने का, व्यभिचार करने का, परिग्रह करने का, ये जब विचार आता है तो उसके फल का विचार करना कि इसका फल क्या होता है, दुख ही उसका फल है। दुख अज्ञान, मतलब ये भी अज्ञान है, मतलब जो मैं कर रहा हूं वो ज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञान है, मैं अज्ञान का ही पोषण कर रहा हूं। तो ऐसा जब पता चलेगा आपको कि ये तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात तो ये है कि अंदर अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है, अनंत शक्ति पड़ी हुई है, अनंत सुख पड़ा हुआ है, मैं कहाँ भाग रहा हूं, मैं कहाँ भटक रहा हूं, तो वो उसका वितर्क प्रतिपक्ष भावना हुआ, वितर्क का प्रतिपक्ष भावनम, मतलब मैं धन इकट्ठा करके सुख पाने की कोशिश करता हूं लेकिन इतना धन मिल जाने के बाद भी मैं सुखी तो नहीं हुआ, मैं दुखी ही हूं, तो ये मोह है, मतलब ये अज्ञान है मेरे जीवन में कि मुझे इनसे सुख मिलेगा, ये अज्ञानता के कारण मैं उनकी साधना करता हूं, वो गलत है। तो जब ऐसा चिंतन करेंगे, वो वितर्क का प्रतिपक्ष भावन हुआ, मतलब उनका विपरीत चिंतन हुआ। और आगे चलता है कहते हैं कि अनंत फला, वो अनंत जन्मों तक भटकाएगा, मतलब एक बात सिद्ध करने के लिए संगम जब इंद्र सभा में बैठा हुआ था और इंद्र ने महावीर की समता का वखान किया, उनकी प्रशंसा की कि मनुष्य ये वर्धमान नाम का मनुष्य है वो देवों से भी चढ़ बढ़ कर गए, तो इनके मन में अहंकार पैदा हो गया, तो अहंकार पैदा हुआ तो ये हुआ क्रोध कि मैं जाकर के उनको बता दूं, तो क्रोध आया, वितर्क आया, वितर्क आया तो वो नीचे आया, नीचे आया करके भगवान महावीर को उनके साधना से चलित करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, एक रात में 20-20 उपसर्ग, जो मरणांत कष्ट देने वाले उपसर्ग किया। अब वो सारे उपसर्ग थे, 20 उपाय थे, वो तो किसी भी आदमी को क्रोध पैदा करने के लिए
निमित्त भूत थे, सरल था, उससे क्रोध हो सकता था। और सामने जो समर्थ व्यक्ति है, मतलब श्रवण भगवान महावीर, वो समर्थ थे, वो देव को भी मात कर सकते थे, उनको भी बता सकते थे कि मैं तेरे से ज्यादा शक्तिशाली हूं, लेकिन उन्होंने किया नहीं, तो कैसे समता भाव रखा होगा। तो कहते हैं कि वहां वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष की भावना कि मैं समता की साधना करने के लिए निकला हूं, मेरा जीवन समता को साधने के लिए है, इतने जन्मों तक क्रोध की साधना करते 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 अनंत भव बीत गए, लेकिन मेरा मोक्ष नहीं हुआ, और इस जन्म में भी मैं गलती कर बैठूंगा तो और भवों में भी मुझे परिभ्रमण करना पड़ेगा। तो ये भाव था वितर्क के जीतने के लिए प्रतिपक्ष यानी विरोधी विचार, उस विरोधी विचार से असमता को जन्म देने वाली सारी परिस्थितियों पर उन्होंने विजय पा लिया। उन्होंने ये कर लिया कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर के लोगों को जो करना है, जो निमित्त उत्पन्न करना है करें, मैं तो अपने मन में ही मस्त रहूंगा। यही भाव उनके मन में रहा, इसलिए उनको बाह्य परिस्थिति ने कुछ भी बिगाड़ा नहीं, वो समभाव में स्थिर रहे। तो ये बात है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष, मतलब वितर्क था तो वहां सतर्क सुतर्क लगा दिया, और सुतर्क लगा देने से प्रतिपक्ष भावनम हो गया, और प्रतिपक्ष की भावना हो गई तो वो जीत गए। तो यहाँ कहा कि माया को जीतने के लिए माया का आश्रय लो, पहले जो अशुभ माया है यानी अशुभ तर्क है या कुतर्क है, उसको जीतने के लिए सुतर्क का सहारा लो। जब सुतर्क का सहारा लोगे तो कुतर्क है वो निर्बल हो जाएगा, हार जाएगा, और आप विजय प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ जो ये कहा कि विकल्प रूपा मायेयम, अब इसको और थोड़ा समझ ले, ये तो मैंने योग सूत्र की बात कही, जैन सूत्रों में क्या कहा है, जैन सूत्र है हमारे सामने वाचकवर्य उमा स्वाति जी का बनाया हुआ तत्वार्थाधिगम सूत्र, तत्वार्थाधिगम सूत्र के छठे सातवें अध्याय में व्रतों की बात कही है। व्रतों में उन्होंने कहा कि इंसान रुत स्थेय ब्रह्म परिग्रहे प्यु विरतिर व्रतम, हिंसा हिंसा से मुक्त होना अहिंसा रूपी व्रत है, चोरी से मुक्त होना अचौर्य व्रत है, स्थेय से मुक्त होना सत्य अस्थेय से मुक्त होना सत्य व्रत है, अब्रह्म से मुक्त होना ब्रह्म या ब्रह्मचर्य व्रत है, और परिग्रह से मुक्त होकर के अपरिग्रह बनना अपरिग्रही बनना वो भी व्रत है। उनके दो प्रकार बना दिए, देश सर्वतोर अणुर महती, अणुव्रत और महाव्रत, श्रावक के व्रत अणुव्रत है और साधु के व्रत महाव्रत है। उनकी रक्षा करने के लिए, मतलब व्रत का ग्रहण करने के बाद व्रत की रक्षा करनी पड़ेगी, जब तक हमारे अंदर एक अवस्था नहीं आ जाती, गुणस्थानक में ऊर्ध्वगमन नहीं होता है, तब तक ये व्रत तो छूट जाने वाले शिथिल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे गुणस्थानक क्रमारोह होने लगता है वैसे वैसे व्रत भी सुदृढ़ होने लगता है, और व्रत जब सुदृढ़ होता है तो निमित्त हमारे पर हावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उपादान स्वयं अंदर से प्रबल है, तो प्रबल करने के लिए साधना करनी पड़ती है, लेकिन वो साधना कैसी। तो कहते हैं कि हिंसा दिशु इहा मूत्र चापाय वद्य दर्शन, बहुत ही मार्मिक सूत्रों की रचना की है उमा स्वाति जी ने कि भाई हिंसा अनृत स्थेय अब्रह्म और परिग्रह ये जो अव्रत हैं उस पर विजय कैसे पाया जाए, जो यहाँ माया स्वरूप कहा है या युग सूत्रकार ने पतंजलि ने उसको वितर्क कहा है, यहाँ अविरति कहा है, जैन धर्म में उनको अविरति कहा कि अविरति को कैसे जीता जाए, अनादिकाल से हमें हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें तो वो भूत प्रेत की तरफ
हमारे जीवन में हमको फंसा कर रखा है, तो अनादि काल से जिन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, वो कैसे छोड़ उनसे पीछा कैसे छुड़वा पाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो कहते हैं कि हिंसा दिशु इहा मूत्र चापाय वद्य दर्शनम, केवल आप ये ही सोचो कि हिंसा करने से लाभ किसको होगा, हिंसा करने से क्या मुझे मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता है। मैं हिंसा करूंगा तो सामने वाले को दुख देता हूं, मेरे मन में मैं अशुभ विचार करता हूं, और उसका परिणाम क्या आएगा। तो ये जो बात हुई वो उसका विपरीत चिंतन हुआ, उसका उल्टा चिंतन हुआ। चोरी का फल जब हम सोचने लगेंगे कि चोरी करने से किसको लाभ हुआ, चोरी करने से कहां जाता है जीव, माया करने से कहां जाएगा, परिग्रह करने से कहां जाएगा। एक मम्मण शेठ जिन्होंने परिग्रह किया, श्रेणिक से भी ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली, पर भोग नहीं सका और सातवीं नरक में गया। ये तो परिणाम हुआ, कर्म का फल हुआ कि यदि ये परिग्रह से मुझे इतनी नीच गति में जाना पड़ेगा तो मेरा क्या होगा, मैं फिर इन मार्ग को, इन धर्म को, इस धर्म को, इस प्रकार के उपदेश को अपने जीवन में पालन कर कैसे पाऊंगा, कब मुझे ये चांस मिलेगा। आज तो मुझे चांस मिल गया है, लेकिन मैं कान बंद करके वो रोहिणी चोर की तरह समवसरण से गुजरता था, तब दोनों कान में अंगुली डाल करके निकालता था वहां से, कि कहीं भी ये वर्धमान महावीर का एक भी शब्द मेरे मन में ना पड़ जाए। वर्धमान महावीर तो भक्त के लिए श्रवण भगवान महावीर थे, लेकिन इनके लिए तो वो सोचता था कि ये महावीर का एक भी शब्द मेरे कान में नहीं जाना चाहिए। और ऐसा ही हमने कानों में अंगुलियां डाल करके अनंत भव बिता दिए, हम भटकते रहे। आज यहाँ आए हैं, कब थोड़ा बहुत कान से अंगुली निकाली है, लेकिन फिर भी हमें होता है कि भाई डाल दो अंगुली, नहीं तो कहीं हमारा उद्धार हो जाएगा तो हमें ये सब करने को नहीं मिलेगा, ऐसा भाव मन में आ जाता है, फिर अंगुलियां डाल देते हैं, फिर भटकते रहते हैं। मतलब हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं करने देते हैं, क्योंकि वितर्क हमें फंसा रहे। वितर्क को वितर्क सुतर्क से ही हटाना होगा। तो सुतर्क ये है कि वो जिस प्रकार से रोहिणी या चोर को ये पता चल गया कि एक वचन से मेरे जीवन का लाभ हो सकता है, एक ही वचन सुना था, जब कान से अंगुली निकाली तो एक वचन सुन लिया था, एक वाक्य सुना था, वो वाक्य उनके जीवन में बहुत बड़ा लाभ करता हुआ, तो उनका चिंतन शुरू हुआ कि यदि एक वचन से लाभ होता है तो अनेक वचनों से कैसा लाभ हो जाएगा, कितना बड़ा लाभ होगा। और वहां से उनके विकास की यात्रा, वहां से उसके उत्थान की यात्रा, वहां से उसके कल्याण की यात्रा का प्रारंभ हो गया और वो आगे ही बढ़ने लगा। तो ये है एक छोटी सी बात कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, माया को जीतने के लिए असत विचार है उसको जीतने के लिए सत विचार की हमें परंपरा शुरू करनी होगी, अभ्यास डालना होगा। हर रोज सुबह शाम हमें ये सोचना होगा कि ये सारे वितर्क है, वो वितर्क या ये सारी माया है, उस माया से मेरी मुक्ति पानी है, मुझे मुक्ति पानी है, तो हमारे लिए महामंत्रिक महातांत्रिक कोई है तो वो श्रवण भगवान महावीर है, हमारे सदगुरु है, हमारे सत्शास्त्र है, वो महामांत्रिक के रूप में हमारे सामने आए हैं, उनको मैं मेरा जीवन समर्पित करूंगा तो मैं मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगूंगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही मेरे जीवन का सार्थक करने का अवसर है। यदि वो अवसर चूक जाऊंगा तो आने वाले समय में यही वितर्कों मुझे फंसाने में जरा भी समय नहीं लगाएंगे। एक आप सीढ़ी चुकते हैं, आपने 15 सीढ़ियां चढ़ ली और एक स्टेप चूक गए तो आप सीधे नीचे आएंगे, आप 14वीं सीढ़ी पर अटक नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहाँ कहा है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम या मायेयम विकल्प रूपा मायेयम विकल्पे नैव नाश्यते, मतलब असत
विचारों को सत विचारों से जीतना चाहिए। ये उनका खाली एक पंक्ति का अर्थ मैंने आज किया है, उसके आगे की पंक्तियां और भी मूल्यवान है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, समय हो चुका है, इसलिए आज यही मैं अटकता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई। सो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, हमारे टेक्निकल गाय अनम्यूट करेंगे। जीतू भाई, किसी को कोई प्रश्न लग नहीं रहे तो हम सेशन को विराम कर सकते हैं आज के लिए। नील भाई, विराम करने से पहले मुझे दो बातें कहनी है। एक तो कल मतलब कि कायोत्सर्ग का स्वाध्याय रहेगा 8 बजे, तो कायोत्सर्ग की साधना में जो उत्सुक है कल जुड़े, और ये कल के जो हमारी कायोत्सर्ग की साधना चल रही है वो करीब 90-95 व्याख्यान हो चुके हैं, स्वाध्याय हो चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी साधना चल रही है जिसके द्वारा अनेकों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है, तो इस कायोत्सर्ग की साधना में जुड़ सकते हो तो आपको भी लाभ हो सकेगा। दूसरा, March 3, 4, and 5 को हरिद्वार में सम्यक दर्शन की शिविर लगने जा रही है। हरिद्वार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ है। हरिद्वार वो हमारे हिंदू यानी कि वैदिक परंपरा का बहुत ही पवित्रतम स्थान माना जाता है, वहीं से विष्णु और महादेव का द्वार माना जाता है, मतलब बद्री और केदार का केदार की यात्रा का प्रारंभ होता है, वहीं खल खल बहती हुई गंगा जी का हमें दर्शन होता है, वहां लोग बहुत बड़ी भक्ति से गंगा जी की यात्रा करते हैं, वहां से ऋषिकेश और ऋषिकेश से आगे ऊपर यात्रा होती है। इससे पवित्र स्थल पर ये शिविर लगने जा रही है। रहने खाने पीने की व्यवस्था चिंतामणि पार्श्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा होगी, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आप लोग वहाँ आ सकते हैं और वहाँ ये 3 दिन का सम्यक दर्शन पर चिंतन अध्ययन और साधना कर सकते हैं। तो ये दो बात आप ख्याल में रखेंगे, बाकी सारी बातें एसआर कल्याण मित्र के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें समय समय पर बताई जाती है। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई। जीतू भाई, आज आप प्रार्थना ले लोगे? हाँ, मैं ले लेता हूँ। शिवमस्तु सर्व जगता परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखीर भवतु लोकः उपासर्गाक्षयं यान्ति चित्यन्ते विघ्नवलय मना प्रसन्नतामीति पूज्यमाने दिनेश्वरे सार्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।